नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं AY अकेडमी, आदर्श युवा अकेडमी। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये है वर्कबुक का, और जो वर्कबुक की जो फर्स्ट पोएम है जनरल इंग्लिश वर्कबुक क्लास 12, उसकी जो फर्स्ट पोएम है यहाँ पर उसको हम डिस्क्राइब करेंगे। आप देखते हैं कि जो वर्कबुक से है लगभग सेंट्रल आइडिया या समरी आती है हर बुक से, तो यहाँ पर इसका भावार्थ मालूम होना चाहिए। अगले इसको पहले हम जो पोएम्स हैं उनके ट्रांसलेट करेंगे, फिर उसके बाद जो अगले वीडियोस होंगे उनमें हम इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं, इसके जो समरी है, सेंट्रल आइडिया वगैरह है, उसको हम डिस्क्राइब करके आपको बताएंगे। तो अभी आपको देखना है कि इसका जो भावार्थ क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको शुरू करते हैं। नॉट जस्ट यू, ना केवल तुम, अथवा और अथवा नॉट जस्ट ही और सी, ना तो वह या कोई लड़की या कोई लड़का, बट वी, बल्कि हम सभी। यहाँ पर कहा जा रहा है कि न केवल तुम, न कोई लड़की, न कोई लड़का भविष्य है, बल्कि हम सभी, तुम भी, लड़की भी, लड़का भी, जितने भी हैं सभी हम कैसे हैं, भविष्य हैं। वी वर्क एज ए टीम, हम सभी एक टीम की भांति काम करते हैं। वी वर्क एज ए टीम, हम सभी एक टीम की भांति काम करते हैं, मिलकर काम करते हैं। वी लिव बाई आवर क्रीड, हमारा सभी का एक मजहब है, हम सभी अपने एक मजहब के लिए जीते हैं, हमारा एक पंथ है, हमारा एक लक्ष्य। कॉज वी बिलीव, क्योंकि हम विश्वास करते हैं, दैट माने कि वी आर द फ्यूचर, कि हम भविष्य हैं। वी हैव द पावर, वी हैव द पावर, हमारे पास शक्ति है। वी हैव द स्ट्रेंथ, हमारे पास में क्षमताएं हैं। वी विल फिनिश द रेस, हम दौड़ को ख़त्म कर देंगे, हम रेस को ख़त्म कर देंगे, हम प्रतिस्पर्धा को समाप्त करेंगे। नो मैटर द लेंथ, यहाँ पर लंबाई का कोई मतलब नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है कि ये रेस कितनी लंबी है, ये कोई मुद्दा नहीं है, इसका कोई भावार्थ ही नहीं है हमारे जीवन में। वी विल फिनिश द रेस, लंबाई चाहे जितनी भी हो हम उसको फिनिश करेंगे। वी वर्क टुगेदर, हम सभी मिलकर काम करेंगे, एक टीम की भांति, एक संपूर्ण मिलकर काम करेंगे, संपूर्णता को प्राप्त करेंगे और सभी लोग एक होकर काम करेंगे। एक्सेप्टिंग एवरी चैलेंज, एवरी एम एंड एवरी गोल, हम हर लक्ष्य को, हर चुनौती को, हर उद्देश्य को एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे। वी आर द फ्यूचर, हम भविष्य हैं। द फ्यूचर इज अननोन, यहाँ पर कहा जा रहा है फ्यूचर इज अननोन, फ्यूचर्स अननोन, कि जो भविष्य है वो अनजान है, जिसे हम भविष्य के बारे में कोई भी व्यक्ति नहीं जानता कि हमारा भविष्य कैसा होगा। इट्स ए स्टोरी अनटोल्ड, यह एक अनकही कहानी है, यह एक ऐसी कहानी है जिसने जिसके बारे में किसी ने बताया नहीं है, यह एक अनकही कहानी है। इट्स ए मूवी अनसीन, हमारा जो भविष्य है वो एक ऐसी मूवी है जिसे देखा नहीं गया है। आप देखते हैं हमारा भविष्य जो, उसके बारे में कोई नहीं जानता कैसा होगा, तो यहाँ पर वही चीज़ कही गई है कि जो हमारा जो भविष्य है वो अनजान है, अननोन, उसके बारे में कोई नहीं जानता। इट्स ए स्टोरी अनटोल्ड, यह एक अनकही कहानी है। इट्स ए मूवी अनसीन, यह एक ऐसी फिल्म है जिसे देखा नहीं गया है, लेकिन ये क्लियर है कि जो काम आप वर्तमान में करेंगे वैसा ही आपका भविष्य होगा। टू बी मेड बाई यू एंड मी, जिसे तुमने और मेरे द्वारा, तुम्हारे द्वारा और मेरे द्वारा इसको बनाया गया है। नो मैटर व्हाट दे टेल यू, इसका कोई मतलब नहीं है कि वे क्या कहते हैं, कि वे तुमसे जो कहते हैं इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई, ये कोई मुद्दा नहीं है। आवर फ्यूचर इज ब्राइट, हमारा जो भविष्य है वो उज्ज्वल है। वी विल फेस एवरी हर्डल, हम हर कठिनाइयों को, हर बाधाओं को फेस करेंगे, उनका सामना करेंगे। वी विल क्लाइम अप द हाइट, और हम हर हाल में ऊंचाइयों तक जाएंगे, हम हर हाल में ऊंचाइयों को चढ़ेंगे, जितनी भी ऊंचाइयाँ होंगी हम ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। वी आर द फ्यूचर, हम भविष्य हैं। फ्रॉम सिटीज एंड टाउन्स हेयर वी हैव कम, शहरों से और कस्बों से, हेयर वी हैव कम, हम यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए कि जो पोइट है वो कहता है कि हम शहरों से और कस्बों से हम यहाँ पर आए हैं, टुगेदर एज वन, और यहाँ पर आके सभी एक हो गए हैं। टू बिल्ड अवर नेशन, अपने राष्ट्र के निर्माण के लिए हम सभी एक हो गए हैं, शहरों से और टाउन्स, कस्बों से यहाँ पर आए हैं, और हम सभी अब मिलकर एक हैं,
और हम अपने राष्ट्र के निर्माण के लिए एक हो गए हैं। यंग वुमेन एंड मैन, सभी युवती और युवा लोग, वॉकिंग हैंड इन हैंड, सभी हाथ में हाथ मिलाकर चल रहे हैं। वी स्टैंड बाय आवर क्रीड, हम सभी एक मजहब, एक पंथ के लिए खड़े हैं। प्राउड टू बी इंडियंस, हमें भारतीय होने पर गर्व है। वी आर द फ्यूचर, हम भविष्य हैं। तो ये फ्रेंड्स, इसका जो भावार्थ है, इसके जो पोइट हैं, ये शोंग बाई, एक तरह का ये शोंग ही है जिसे गाया, जिसे लिखा गया है सोनिया शिरसत के द्वारा। तो फ्रेंड्स, इसका बहुत ख्याल रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है और बहुत अच्छी पोएम है। कई बार ये आ चुकी है, इसका सेंट्रल आइडिया पूछते हैं, इसकी जो पैरा है वो भी आ जाता है, उसके बारे में आपको कुछ क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं। और इस बात का ख्याल रखना है, इसके जो मीनिंग्स हैं उनका भी ख्याल रखना है, कभी एंटोनिम्स सिनोनिम्स वगैरह भी पूछ दिए जाते हैं, और ये सब जानकारी आपको रखना है। और इसके जो जो मीनिंग्स हैं वो यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं वीडियो की, वहाँ पे सभी मीनिंग्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो यदि अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, और अपने जो मित्र हैं उनको शेयर कर दीजिए फेसबुक में, व्हाट्सएप में। और फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि इससे संबंधित और भी यदि जानकारी चाहिए है तो आप हमारे फेसबुक पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि समय समय पर चीज़ें वहाँ पे आपको उपलब्ध होती रहें। तो फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।